नीतीश कुमार ने बीजेपी को कैबिनेट का जवाब कैबिनेट से दिया है। नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, जेडीयू के 8 नए चेहरों को कैबिनेट में जगह दी। सवाल ये नहीं कि नीतीश ने बीजेपी को अपने कैबिनेट विस्तार से बाहर रखा, लेकिन सवाल टाइमिंग का तो जरूर है, क्योंकि मोदी सरकार में एक मंत्री पद दिए जाने के ऑफर को ठुकराने के 3 दिन बाद ही बिहार में कैबिनेट का विस्तार एक बार फिर नीतीश कुमार की पलटीमार पॉलिटिक्स की ओर इशारा कर रहा है। इसी बीच नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में किसी बीजेपी नेता का शामिल न होना और जीतन राम मांझी से उनकी गलबैया करना भी कई सवाल खड़े करता है। सवाल ये कि क्या 16 सांसदों वाले नीतीश कुमार केंद्रीय कैबिनेट में अपनी पार्टी को लेकर मोदी के फैसले से नाराज है। इसी के साथ बिहार की सियासी फिजाओं में ये सवाल भी तैरने लगा है कि 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ेंगे। सोशल मीडिया पर एक बार फिर पलटू राम ट्रेंड कर रहा है, लेकिन ये भी सच है कि बीजेपी की मौजूदा मजबूत स्थिति के बावजूद उसके औरे से बाहर रहने या उसके निर्णय से अलग जाने का साहस सिर्फ नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। नीतीश ने केंद्र सरकार में सांकेतिक तौर पर शामिल होने से इनकार कर ये जता दिया कि वो किसी भी सुनामी में अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करने वाले। माना जा रहा है कि राज्य कैबिनेट में बीजेपी को सांकेतिक तौर पर रहने का विकल्प देकर नीतीश ने बीजेपी से अपना बदला पूरा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।